करना तो उसको ले कहा जा रहा है, यही कर रहा है, ऊंचा कर रहा है तू, मैं नीचे की कह रहा हूं करना दो। अब ज्यादा हो गया, एक सूत ऊपर कर दे, दो सूत नीचे कर, चल निकल जा। हाँ की बात नहीं है, दरअसल ये पहलवान जब मुझ पे कुछ टिप्पणी कर रहा था, सरदारों पे टिप्पणी कर रहा था, तो ये वहां बैठा हुआ मुझे बड़े गौर से देख रहा था। ये काम मैंने इसलिए करवाया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। चलो नंबर आ तो गया, मेरे बचे कुचे श्रोताओं, बचे कम कुचे ज्यादा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। तू यार एक बात बता, सही बताना मुझे, मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ तू कभी यहाँ से फोटो लेता है मेरा, कभी यहाँ से लेता है, कभी यहाँ से लेता है, सच बता तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या है? तो फिर काय के लिए कौन बदल रहा है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। कामा का मेहनत कर रहा है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, देखो मैं आपका आईक्यू नापता हूं, मस्ती कराऊंगा, मस्ती के लिए ही आया हूं मैं। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। आया, कितनी भी कोशिश कर ले फोटो नहीं आएगा, मैंने आज अपना स्विच ऑफ कर लिया है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 80 घाट है, गंगा का किनारा है, इतना टाइम हो गया, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था, मैंने कहा अगर बनारस के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मेरे बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। ओ मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई साहब, पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो मैं पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ जाए तो चुप रहना, समझ में आ जाए तो। ये मुझसे बोला है अशोक सुंदरानी, क्यों भाई तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊ हो जाता है। मां का शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। तो मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर, सरदार जी मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? नहीं, क्या आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ तो आएंगी क्यों नहीं, तुमको इंग्लैंड में खड़े हो गया। स्पार्क कर रहा है, नहीं मैं इधर इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि सरदारों के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है।